हमारा मकसद इस सूबे में बहुत से मामलात हैं जो पोशीदा रहे हैं, जिन पे कोई बेहतर काम नहीं हुआ। हमारे कहने का मकसद, जब कमेटी बनती है, देखें कमेटी आप स्टैंडिंग कमेटी में जब भेजते हैं तो इन्वायरमेंट की एक कमेटी है, उसका मैंडेट है सिर्फ इन्वायरमेंटल साइड को देखना। जब हमने ये सवाल किया जिसमें मैंने रेवेन्यू का भी जिक्र किया, यानी आमदन बलोचिस्तान को कितनी हुई, हमारी माहौलियात को क्या नुकसान हुआ, हमारी फिशरीज़ के सेक्टर को, तो जब मैं कमेटी की बात करता हूँ तो उसका मैंडेट ये होगा कि उसके तीन चार पहलुओं पर देखेगा। वो जाएगा कि अगर इससे हमें अच्छी आमदन हो रही है और हमारे अगर मतलब 17 साल में 35 करोड़ रुपए मिले हैं, और क्या हो सकता है 17 साल में 35 अरब की मछली का नुकसान हो गया है हमें। तो देखिए, कभी कोई जब लीडरशिप कोई बात करती है, या हम जो इसमें सनाबुरु साहब इस तरह करते हैं, हाँ, कि मिनिस्टर साहब है उसका पे जा रही है, इस तरह अगर आप चलाएंगे तो ये हाइट पार्क नहीं है। फिर ये हाइट पार्क नहीं है कि हर कोई उठे अपनी मर्जी से जो भी बोले। लंदन में ग्रेट ब्रिटेन में एक हाइट पार्क है जिन्हें वाला, अभी हंडशन वहां पे जो भी उठते हैं इररिलेवेंट मतलब बातें करते हैं, लेकिन वहां पे कोई मना नहीं है। इस हाउस में कम से कम इस तरह नहीं होना चाहिए। फाइनली अब्दुल खालिक साहब, इस तरह नहीं होता है, रेलिवेंट होते हैं सारे चीजें। स्पीकर साहब, आप खुद मेरे ख्याल मेंबर को थोड़ा जनाब बिल बिल सर देखें। नहीं मिनिस्टर साहब, आप इस तरह नहीं कहें, रेलिवेंट हैं, कमी बेशियां हैं। जी मैंने स्पीकर साहब मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये कि तरीकाकार जो बात करने का वो नहीं है। सवालात के जी इंतहाई तफसील जवाब यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जी आप बैठे आगाजन आप बैठे, एक मिनट मुझे दें जी, मुझे एक मिनट दे दें मिनिस्टर साहब, मुझे एक मिनट दे दें आगा साहब जी, मुझे एक मिनट दे दें अब्दुल खालिक साहब, ये जो मोजेज एवान है ना, इसमें जो तरीक़ाकार है बात करने का उसमें होना चाहिए, और सवाल करना अपोजिशन का काम है, और इसमें आप पे कोई अंगुली नहीं उठा रहे कि आपने कोई गलती की है। जो चीज़ प्रोसेस हो रहे हैं वो गलत है, इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो मोजेज जो हमारे रुकन असेंबली है वो कह रहे हैं कि हम इसमें बेहतरी किस तरह लाएं, वो आपकी मदद के लिए कह रहे हैं, इसमें कोई आपका अनशन नहीं है, कोई इस तरह की गलत बात नहीं है। अगर आप जवाब देते हैं तो इस एवान की तकद्दस को देखें कि पामाल नहीं हो जाए, ना किसी मेंबर की दिलाराजी हो। स्पीकर साहब वो कह रहे हैं कि बात का जो चीज मिल रहा है वो सेटिस्फाई नहीं, नहीं मैंने कहा जवाबात से सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी तजावजात दिए हुए उसकी तजावजात को गौर किया जाएगा। उस पे जो है उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है रेवेन्यू को ज्यादा करना चाहिए, मैं ये यकीनदानी कराऊंगा कि इन सारी बातों पर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, इनके जो तजावीज आए हुए उन तजावजात का बगौर जायजा लेकर हम रेवेन्यू मजीद ज्यादा करें, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करें। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ये अपनी मनमानी इसलिए कि कमेटी बनाना चाहिए, पहले तो पीएससी को मनमानी नहीं है आगा जान, मनमानी कोई नहीं है, इसमें कमेटियां बनते हैं, आपके ऊपर नहीं है, कमेटियां बनते हैं कि रेवेन्यू को किस तरह बेहतर करें। मैंने कहा एक सवाल प्रॉपर तरीके से आपके पास आया, मैं 5 साल टाउन नाजिम में भी इसी तरह स्पीकर रहा हूँ, 5 साल मेरे 5 साल में उसका रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा इजलासें हमने चलाया, मुझे मालूम है, हाउस का आदाब मैं जानता हूँ, सारे मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपका एक सवाल आया हुआ है, सवाल जो आपने पूछा है मैंने वो इत्मीनान बख्श जवाब हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद अगर आपको जो इत्मीनान नहीं है, आप मजीद सवालात करें, आप करारदाद लाएं, आप तजावजात दें, मैं यकीनी तौर पर जो भी गुट तजावज आएगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। हमारी हुकूमत जो है, हमारी हुकूमत की कोशिश ये है कि हम करप्शन पे काबू पा लें। मैंने कल कहा था आपसे कि मैंने एक आपके सवालात इत्मीनान बख्श नहीं मिले थे, आज हमने एक्शन लिया हुआ है, तो हुकूमत इंतहाई इस तरह करते हैं। अब्दुल खालिक साहब तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ेगा, दोस्त आपस में लड़ झगड़ कर शेयर करेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हम सब माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, और जब इस असेंबली में फोरम पे इस तरह की चीज लाई, मेरे कहने का मकसद ये था, इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी हम नफा नुकसान का जो है अंदाजा माहौलियात मुकमे फिशरीज हमारी रेवेन्यू इसको लगाने के लिए ये कमेटी बननी चाहिए थी।
لیکن اگر وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں کوئی ریونیو زیادہ ہو, ماحولیات بہتر ہو, میں آئندہ اس طرح کے سوالات ہی ماحولیات والوں سے نہیں کریں گے. جی نہیں نہیں, انشاءاللہ کرنا چاہیے. جس سے نہیں نہیں, گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کو صبر تحمل, اپوزیشن کا کام ہے جذبات میں بھی آ جائے تو اپوزیشن گورنمنٹ تحمل سے کام کرے گی, گورنمنٹ ہے سر یہ. لیکن یہ کہ جب کوئی بندہ صاف ہوتا ہے نا وہ پھر جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ کمیٹی نہ بنائیں, ہم اپوزیشن اپنی کمیٹی بنائیں گے, ہم گڈانی جائیں گے, ہم ماحولیات کے حوالے سے, ریونیو کے حوالے سے ہم بالکل جائیں گے. ہم بلوچستان ہمارا صوبہ ہے, ہمیں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں.